आज की वीडियो में हम देखेंगे लेंस क्या होती है और उसके टाइप्स कितने हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लेंसेस क्या होती है, लेंसेस के प्रकार कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंसेस ही काम आती है। अब देखिए, लेंसेस पारदर्शी होती है, मतलब उसके हम आर पार देख सकते हैं। आप किसी भी लेंस से आर पार देख सकते हैं। अभी देखिए, लेंसेस की डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ लेंस इज अ स्पेस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लासेस विच कंसिस्ट ऑल डिस्प्लेस लाइट रेज व्हेन पासिंग थ्रू देम बाय रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, जो रिफ्लेक्शन होता है, जो लेंस होती है वो ट्रांसपेरेंट रहती है, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास रहती है, कंसिस्टल मतलब वो कंसिस्टल रहती है, और डिस्प्लेस मतलब वो लाइट की डायरेक्शन चेंज कर देती है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लेंसेस, लेंस उसे ही कहा जाता है, इज कॉल्ड लेंसेस। अब देखिए, लेंसेस के टू टाइप्स होते हैं, अब वो किस प्रकार होते हैं हम अभी जानेंगे इसी वीडियो में। लेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, पहला तो है कॉनकेव लेंस एंड दूसरा है कॉनवेक्स लेंस। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। चलिए उसका डिफरेंस देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉनवेक्स लेंस के बारे में डेफिनेशन लिख दी है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द लेंस विच हैव अ टू स्पेयर सरफेस विच आर प्रोफाउंड अप टू आउटसाइड इज कॉल्ड अ कॉनवेक्स लेंसेज। मतलब जो अंदर का भाग होता है बाहर का भाग होता है वहाँ से हम देखते हैं, उसे कॉनवेक्स लेंस कहते हैं। आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक पे इतना ही। अब हम कॉनकेव लेंस क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉनकेव लेंस क्या होती है। देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन लिख दी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द लेंस विथ बोथ सरफेस स्फेरिकल ऑन द इनसाइड इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। मतलब जो इनसाइड मतलब अंदर का भाग होता है उसमें, उससे हम देखते हैं, उसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। आज की देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको कॉनकेव लेंस, कॉनवेक्स लेंस और लेंसेस की डेफिनेशन, इनके बारे में बताया। अगली वीडियो में हम मिरर्स के बारे में बताएंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।